ताकि हम इसका रिकॉर्ड रख सके, ताकि हम इसे डैड को दिखा सके। इससे उन्हें याद रखने में आसानी होगी। तो फिर तैयार हो, प्रैक्टिस शुरू करें। ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे। अब रुकना मत, ओके? जारी रखो हनी। जी कैप्टन। के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए। फिलहाल मैं इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कर रही हूँ ताकि बैटरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को अलग कर सकें। 713 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फॉर्मूला एल्गोरिथम 13 के साथ कामयाब रहे, रनिंग 13। हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अलग अलग पल्सेस से एटम को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्ट्रोलाइट स्थिर है, 7.13 कामयाब रहा। टेस्ट 714 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फॉर्मूला एल्गोरिथम 14 के साथ कामयाब रहे। अब हम 14 चला रहे हैं। ओके, हाइपोथेसिस भी सही है। अलग अलग पल्सों से एटम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्ट्रोलाइट स्थिर है, 7.14 कामयाब रहा। टेस्ट 7 और 15 फॉर्मूला एल्गोरिथम 15 के साथ कामयाब रहे, रनिंग 15। हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। अलग अलग पल्सों से एटम को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्ट्रोलाइट स्थिर, 7.15 कामयाब रहा। टेस्ट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिजिटल एल्गोरिथम 16 के साथ कामयाब रहे, रनिंग 16। हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। अलग अलग पल्सों से एटम को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्ट्रोलाइट स्थिर है, 16 कामयाब रहा। टेस्ट 17 पल्स डिजिटल एल्गोरिथम 17 के साथ कामयाब रहा, रनिंग 17। मैं दोस्तों के साथ बियर पीने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? हाँ, फिर वही हुआ, गायब हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं बना। कॉफी? इस बार अच्छी बनी है। 6 बार हो चुका है, हर बार वही। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। एटम को अलग करने से वो गायब हो सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है अलग करने से। इलेक्ट्रॉन यूं ही गायब नहीं हो सकता। अगर उसे तबाह हिलाया या फिर छुपाया जाए तो मुमकिन है। हमने कुछ भी तबाह नहीं किया है। अगर तुमने किया होता तो वो गायब हो जाता। ठीक है, तो तुमने उसे निकाल दिया या फिर वो छुप गया? लेकिन कार्बन जुड़ता नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ अदृश्य होता तो तुमने गायब कर दिया। ओके, मैंने ऐसा होते हुए कभी देखा नहीं है। वो कहाँ गया और कैसे गया? है ना, क्या ये काम करेगा? कैलकुलेशन हमेशा बराबर होता है सब्जेक्ट वॉल्यूम के, और ये एटम के लिए भी काम करना चाहिए। तुम्हें सब कहाँ से मिला, मतलब ये एल्गोरिथम? मैं तो एल्गोरिथम्स पर टेस्ट भी नहीं कर रही थी, साबित कर रही थी कि पल्स के वेरिएंस का इलेक्ट्रोलाइट पर कोई असर नहीं पर होता। ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? टेस्ट 17 एटम को प्रभावित करने के लिए तैयार, हाइपोथेसिस नहीं है,
रनिंग 17। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। ओके, तो ये सब मेरे स्कूल के टाइम की तरह है। ये ज्योमेट्री की तरह बिल्कुल आसान है, लेकिन 17 ये क्वांटम थ्योरी की तरह है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुमने इसके बीच पाई फॉर्मूला क्यों रखा। मुझे एक एंडलेस स्ट्रीम चाहिए था जिसे बार बार दोहराना ना। हाँ, पर तुम पाई का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये बेमतलब है। तो मैं मॉलिक्यूल पर ट्राई करूंगी। उससे सर्वर क्रैश हो जाएगा। हमें मदद की जरूरत है। मॉलिक्यूल पर मैं ट्रेस कर सकती हूँ, लेकिन मदद चाहिए होगी ताकि हम रिकोडिंग के वक्त पावर का कम इस्तेमाल करें। अगर तुम उसकी बात कर रहे हो तो क्या तुम उससे पूछोगे? ना, नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ज्यादातर ये सब चैरिटीज वाले इस्तेमाल करते हैं। जो भी अपना कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते वो इन्हें मदद के लिए दे देते हैं। ये शायद तुम्हारे काम आ जाए। सच में? सच में। क्या ये काम करेगा? तुमने बाल काट दिए नेथन, तुम लोग अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दो। शायद साल भर में 10-12 लोग लॉग इन कर लें। वैसे अच्छा है, थोड़े इंसान लग रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए लोगों की जरूरत है। कितने लोग? जितने ज्यादा मिल सके। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे। तुम हैकर्स भी ना। हमें पेटाफ्लॉप्स रेंज की स्पीड में प्रोसेस करना होगा। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुम समझ तो रही हो, ये सब गैर कानूनी है, इतना भी आसान नहीं है। मगर ये मुमकिन तो है। स्कूल्स के जरिए आसानी से हो जाएगा, समझ लो। हो गया, एक कीड़े की तरह घुसकर सबसे साइन अप भी करवा लेंगे। ऐसे क्यों उन्हें उसके बारे में पता भी ना चले। लेकिन सवाल ये है कि कितना समय लगेगा। शायद इन सब में एक हफ्ता लग जाए, या फिर शायद ट्यूसडे तक तुम्हें स्पेयर कंप्यूटर मिल जाए। तब तो कमाल हो जाएगा। ये लो। हेलो। जानवरों पे टेस्ट करना गुनाह है। बताने के लिए शुक्रिया। तो क्या तुम ये कर पाओगे? बिल्कुल। तो बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं जरूर साथ दूंगी। ना, इसने जो बताया है सब गैर कानूनी है, हैकिंग और सर्वर की चोरी। ठीक है, चलो करते हैं। और सारी पैकिंग? सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तो मैं वहां आ जाऊं पहली फ्लाइट लेकर? नहीं नहीं नहीं, अपनी एक भी क्लास मिस मत करना, छुट्टियों पर ही आना और फिर बताना घर कैसा लगा। ठीक है, तो वहां आने के बाद मैं अनपैकिंग में मदद करूंगी। तुम अकेली हो इस वक्त? हो हाँ, पर काम के वक्त नेथन साथ होता है मेरी मदद करने के लिए। पिछली बार आपको बताया था ना उसके बारे में। क्या वो हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें उसके साथ बाहर जाना चाहिए। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे भी 7 साल हो चुके हैं। नहीं, मुझे भी अब नानी बनना है। फोन रखती हूँ, खाना बना रही हूँ। अच्छा, क्या बना रही हो? कुछ खास नहीं, ग्रिल चिकन इटालियन हैम मोत्सरेला चीज के साथ। इसके अलावा मैं कुछ सब्जियां कुक कर रही हूँ और एक सूप बना रही हूँ। अच्छा बना है। और ये सब कुकिंग शो देखकर सीखा है। बाद में फोन करती हूँ। नेथन, सच में तुम्हारा जवाब नहीं, ये मेरे बस के बाहर है। तेजी से एक ईमेल एड्रेस बुक से एड्रेस बुक। हमें ज्यादा पावर की जरूरत है। बस। मैंने नॉर्टन मैकाफी चेक कर लिए हैं, अब तक सब कुछ ठीक है। यार ये कितना भारी है। ओके, तो हम चीजों को हिला नहीं रहे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ना ही हम तबाह कर रहे हैं और ना ही इसे दोबारा बना रहे हैं। इसका ना कोई अवशेष है और ना ही कोई निशान है। मतलब हम इसे कहीं भेज रहे हैं। हाँ, पर कहाँ? फील्ड इक्वेशन का मतलब है हम एक फ्रेम बना रहे हैं और हमारे पास है मार्बल 42। हाँ, मुझे ये दिख रहा है। पर कैसे? और ये वेरिएबल्स, क्या ये भी इक्वेशन का हिस्सा है? और ये मार्बल हुआ गायब। ओह हाँ, इलेक्ट्रोड्स के फीडबैक है। इस वक्त मेरे पास इसके लिए 2 अकाउंट्स हैं। तो ये नंबर्स वापस इक्वेशन से जुड़ जाते हैं बाहर से। इलेक्ट्रिक ऑस्किलेशन। हाँ। तो ये सब इलेक्ट्रोड्स हैं और अब मार्बल 44 नेगेटिव हो सकते हैं और तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स राइट एंगल पर हैं। गुड बाय मार्बल 44। हाँ, तो तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स 3 एक्सिस बनाते हैं 3 डायमेंशन में, जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि तुमने उसे ऊपर की तरफ रखा। लेकिन इस बार ऐसे रखने के बजाय तुम उन्हें इस तरह से रखना, समझ गए? इसका मतलब ये है एक्स वाई और जेड एक्सिस, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से। हम हर तरफ से पॉइंट मार्क कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरफ से। सब्जेक्ट के डायमेंशंस की मदद से यूनिट का पता चल जाएगा।
टेस्ट 17108 इसे कंट्रोल करने के लिए रनिंग डायग्नोस्टिक्स। ओके, तो अगर हमें इसे कहीं भेजना, क्या हम इसे बेहतर बना सकते हैं? फेज, टेलीपोर्ट, जैप, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो हमें इसे फेज करना होगा यहाँ पर। क्या मतलब? 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। हाँ, और थोड़ा सा नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी, ताकि पता चले ये काम करता है या नहीं। तो एक्स होगा 40, यानी कि 8 यूनिट्स, नेगेटिव 1 वाई, नेगेटिव 2 जेड पर। हाइपोथेसिस की वजह से सब्जेक्ट हिल रहा है, जिसकी दूरी होगी 40 सेंटीमीटर और लैंडिंग टेबल पर होगी। और लैंडिंग टेबल पर होगी। रनिंग 17108। अभी भी बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं, लेकिन जानते हैं ना हमें क्या funding. चाहिए अभी? हमें और फंडिंग चाहिए होगी, उसके बिना ही मुश्किल। हमारा तरीका काम कर रहा है। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ, लेकिन हालात के हिसाब से। मेरे अंकल एक फंड मैनेजर हैं, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। कोशिश करके देखो, अगर परमानेंट कर सकते हैं, मतलब कि फिजिकल तरीके से। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। परमानेंटली नहीं, सब हैंडल नहीं कर पाएगा। तुम्हारा मतलब है कि हमें उसके लिए जगह बनानी? जैसे कि स्फीयर। हाँ, स्फीयर हो सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से। ये वर्म होल थ्योरी है जो हमने बनाया है। वर्म होल, हम चीजों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम ईश्वर बनने वाले हैं। जीपीएस कल से शुरू हो जाएगा। डैड सुनिए, आप लॉरेंस को कॉल कर सकते हैं, हमें वकील चाहिए होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पेटेंट्स, पेटेंट्स, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। हाँ, लेकिन जल्द से जल्द। और अंकल स्कॉट से कहना कि एक डेमो तैयार है। एक महीने में, फ्राइडे को। देखिए डैड, मुझे जाना होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ा होगा। तो दवाइयाँ, ट्यूमर्स दिमाग से सीधे बाहर हो सके, ऐसा कुछ सोचो। खेती करने का तरीका कितना बदल जाएगा। वार्म होल खेतों में और सब्जियाँ सीधे आपके फ्रिज में। हम इस तरह से दुनिया में कितना कुछ बदल देंगे। कई रेगिस्तानों में हम बारिश भी करवा पाएंगे, अगर हम कामयाब हुए, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। हम वार्म होल को पूरी दुनिया में फैला देंगे और इसे जियोथर्मल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके जरिए सूरज के नजदीक सोलर पैनल्स और केबल्स को चलाएंगे। मुझे सेलुलर म्यूटेशन या फिर मॉलिक्यूलर डिके को चेक करना होगा। हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करना होगा। हमें कंपनी चाहिए जिसके लिए पैसे चाहिए। मिनरल्स, हम मिनरल्स कहीं से भी निकाल सकते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को कहीं भी भेज सकते हैं। लिव, ये किस तरफ के लिए है? वाओ, हम पूरी दुनिया को बदल देंगे। ये वाला वहाँ पर। हेलो फर्नी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे अपना चेहरा तो देखो। क्या, मैंने क्या किया? थैंक यू। तुम टूथपिक चबा रहे हो? हाँ, कूल गाइस यही करते हैं। ओ, तो तुम अब कूल गाय बन गए हो। वो तो मैं हूँ। एक मैजिक ट्रिक देखोगे? हाँ? मैं ऑब्जेक्ट्स को गायब कर सकती हूँ। ओह, सच में? तैयार हो? ठीक है, देख रहे हो? हाँ। गुड। नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करती हूँ। ठीक है, देखो। मैं देख रहा हूँ। जानती हूँ। शिट, मैं ये कर सकती थी यार। मेरे ख्याल से तुम्हें पियानो ही बजाना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड। आई नो। लेकिन वो गया कहाँ? तुम्हारी स्लीव में। सच में? पहली दो बार तुमने जानबूझ के गलती की थी, है ना? तो तीसरी बार मेरा ध्यान भटक गया था और तुमने दूसरे हाथ से उसे उठा लिया। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, देखा, मैं एक जीनियस हूं।
हमें कॉलेज में मिले 6 साल हो गए, है ना? सेकेंड ईयर फिजिक्स. कई साल हो गए. वो तो है. नीट. टेस्ट परफेक्ट रहे. डीएनए आरएनए आइडेंटिकल. हे, अच्छे दिख रहे हो. हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं कूल गाय हूँ. देखो लिव ने स्फेयर बनाया है या नहीं. ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर का है. इससे बड़ा हम नहीं बना सकते फिलहाल तो नहीं. पहाड़ों को हिला सकेंगे, समंदर को साफ कर पाएंगे अपने हिसाब से, चांद को भी, किसी बैंक को भी, कहीं भी. ये हुई ना बात. नेथन, अंदाजा सही था. कहीं हम सब जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना? या नहीं, फिर हमें टेस्ट जल्दी करना होगा. इससे पहले यूनिवर्सिटीज में अपनी टांग अड़ाएं. इस सारे हार्डवेयर को लीगली खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगाएंगे. ओके मेरे नन्हे दोस्त, इतिहास बदलने के लिए तैयार हो जाओ. दादी. हेलो दादी, मैं हूँ लिव. ओलिविया. हाँ, कामयाब तो हुआ. अच्छा, ओके. ये बताइए टिंकल कैसा है? हाँ, पेटेंट्स. मैं चाहता हूँ वो बन जाए. मुझे कल तक चाहिए किसी भी तरह, और वो एना के नाम पर होने चाहिए. ठीक है? चुप रहो, ज्यादा शोर मत करो, ताकि हम सबको ये बता सके. डैड ये बहुत जबरदस्त है, बस एक बार मेरा साथ दीजिए. ये बहुत बड़ा है. ओह माय गॉड. हाँ, बहुत ही बड़ा. ये बिल्कुल बिजली को इन्वेंट करने जैसा है. चुप हो जा. सच में? पता नहीं दादी इसे कैसे संभालती है. नेट, क्या तुम जरा मदद करोगे? हमें वो चाहिए, और इसी वक्त चाहिए. ये इंसानों द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार साबित हो सकता है. रेड तुम पर अच्छा लगता है, और ये हेयर स्टाइल ये भी अच्छा है. मैं सच कह रही हूँ, आज तुम वैसी नहीं दिख रही हो जैसी अक्सर दिखती हो. हाँ, सच में बिल्कुल अलग है. ऑलिव मेरी बच्ची, आओ आओ अंदर आ जाओ. ओह, बाहर बहुत ठंड है. आओ बच्चाओ. तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो. अच्छा किया जो अपने बालों से ब्लू रंग हटा दिया. क्या तुम यहाँ टिंकल के लिए आई हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा ग्रानी. नहीं नहीं, हम देखने आए हैं कि वो कैसा है. वो तो मजे कर रहा है. हेलो बच्चों, मैं ओलिविया की दादी हूँ. और तुम लोग? मैं हूँ एना. हाय. और ये है नेथन. ये मेरे असिस्टेंट्स हैं. वैसे एना अभी शिफ्ट हुई है. उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. टिंकल ठीक है ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? क्यों, उसे क्या होगा? उसने लैब में कुछ अजीब सी हरकत की थी, इसीलिए मुझे लगा शायद कुछ हुआ. वो थोड़ी बदमाश है. क्या तुम लोग चाय पीना चाहोगे? सच कहूँ तो ये जगह कितनी अजीब है. एक बात तो मैं जानती हूँ, ये बहुत ही ऐसे ही तुम ज्यादा अच्छी लगती हो. शुक्रिया ग्रानी, मैं बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. मैंने सुना है कि इसके जो दादाजी थे वो. क्या बात है, ये देखो. एना,
क्या हुआ बोलो? तुम आज शाम मूवी देखने चलोगी? हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक भी मिल जाएगा है ना? नहीं मेरा मतलब, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? तुम कहना क्या? ओ क्या बकवास है ये, क्या यार क्या है ये? क्या हुआ ओलिविया? यकीन नहीं होता, क्या तुम लोग जानते हो? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं भी कुछ नहीं जानती। और चाहे चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ने पैच आउट कर लिया है। पैच आउट? वो लोग वॉर्म को बंद कर रहे हैं। ओके, तो फिर हमारे पास कितना वक्त है? एक दिन, ज्यादा से ज्यादा। पर मीटिंग तो फ्राइडे को होगी और डेमो, उसी से पैसों का इंतजाम होगा। इतने दिनों में सब कुछ करना मुश्किल है, तो हमें फाइनल टेस्ट करना ही है किसी भी हाल में। कोई और रास्ता नहीं है क्या? हमें अब बड़ा कदम उठाना ही होगा, ऊंची छलांग मारने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, इतने कम समय में इन्वेस्टर्स को मनवाने का यही तरीका है, और ये जल्दी से जल्दी करना होगा, यानी कि अभी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हर बार रूल्स के हिसाब से चलना जरूरी नहीं ना। ठीक है, तो फिर सारे सिस्टम चालू हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, अब ठीक है। हाइड्रोलिक्स 1 अप, हाइड्रोलिक्स 2 अप, हाइड्रोलिक्स 3 थोड़ा ऊपर अप। डायग्नोस्टिक रीडिंग बिल्कुल सही है, नंबर बदलने का इंतजार कर रहे हैं। 0.272, 0.99। देव यहाँ की रीडिंग ठीक नहीं है, केबल 1 ज्यादा गर्म हो रहा है। 2 और 3 को जल्दी कनेक्ट करो, जल्दी। ठीक है, हम फेज 2 चला रहे हैं। ना हिलना मत, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है। सही कह रही हूँ? तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है, अब चुप रहो, रीडिंग्स पढ़नी है, बातें करना छोड़ो। रिकॉर्ड करने के लिए ना, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। इट्स ओके, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, तुमसे कुछ कहना है? अगर मेरी मूंछ निकल गई तो? या फिर टेस्टिकल्स, बड़े बड़े वही बालों से भरे हुए। हम मैटर को फेस करते हैं, उसके बाद हम उसे वर्म होल से निकालते हैं बिना कुछ बदले, ठीक है? याद रखना। हाँ समझ गई, नंबर्स कम हो रहे हैं, हमें शुरू करना चाहिए बिना कुछ बदले। लेकिन हम अगर क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुड लक। नेट, तुम्हारी मूवी उधार रही, खूल का है। ध्यान रखना। ओके, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। सच में बहुत बुरा है जानवरों को इस तरह से मारना, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। ये लीजिए। हाँ सही कह रहे हो। हाय, मैं जेम्स हूँ, एक मिनट है आपके पास। सॉरी, उसकी जरूरत नहीं है।
मैं मजाक कर रहा था, तुम इस जगह को जानती हो? देखो ये लोग जानवरों पर टेस्ट करते हैं, तुम जानती हो ना? आज नहीं, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, शायद फिर कभी। आपका नाम? एना। हाँ एना, काफी खूबसूरत नाम है। मेरे पास एक खरगोश था जिसका नाम एना था। आप साइंस में हो है ना? दरअसल हम जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप लोग माफ करना। देखो तुम जो भी कर रहे हो वो अच्छा काम है, लेकिन आज नहीं प्लीज। अब ठीक है? ओ हेलो आना, कैसा लग रहा है? मुझे शायद पीना ही नहीं चाहिए, कुछ भी याद नहीं। कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो? गुड, तो हमने काफी हद तक अपनी कैपेसिटी खत्म कर दी, हम वापस एटम पर आ गए हैं। सारा कुछ काफी जल्दी खत्म हो गया क्या सच में? हाँ, तो अब वो मशीन बिल्कुल बेकार हो गई है। हाँ। हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर मॉडल्स हैं। हमारे पास हैं? ओ सॉरी, हाँ हमारे पास मॉडल्स हैं, हाँ, ताकि हम सर्वर पर एनालिटिक टेस्ट चला सकें जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते। हाँ बिल्कुल। सब कुछ ठीक तो रहा है ना नेट? हाँ बिल्कुल, तुम क्यों पूछ रही हो? ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? तो आगे क्या करना है? ओके, तो सबसे पहले टेस्ट कैसा रहा? टेस्ट? तुम एक केमिस्ट हो, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ सैंपल्स लेने हैं, वो भी टेस्ट के जरिए। यादें, कितनी सारी यादें। तुम्हें याद है वो वीडियो जो मैंने तुम्हारे लेगो के फोटोज की ली थी? मुझे वो ऊपर के कमरे से मिली, मैं वो भी रख लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं मॉम। अरे लेने दो ना, तुम्हें अगर कुछ पसंद ना आए तो उसे फेंक देना। ये सब बेकार है, उसे रखकर ना आपको ना मुझे कोई फायदा होने वाला है, उसे फेंक दीजिए ना, या फिर किसी आश्रम में दान कर दीजिए। और तुम्हारी कॉमिक बुक? उसे किसी अलमारी में रख दीजिए मॉम। अलमारी में? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी सारी चीजें छोटी सी अलमारी में डाल दी। लेकिन यहाँ तो काफी सारी चीजें हैं। इसीलिए तो छोटी अलमारी में डालने के लिए कह रही हूँ, जितना कहा उतना कीजिए ना। ठीक है, नाराज मत हो। बाकी वहाँ सब कैसा है? सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, बस ठंड ज्यादा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। ज्यादा काम मत करना और कॉल करते रहना। I miss you. हेलो,
छोड़कर जाओ, मेरे काम की चीजें छोड़ो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं, छोड़ो, छोड़ो इसे। मेरे घर में चोरी हो गई, उन्होंने मेरा लैपटॉप और मेरी दूसरी चीजें चुरा ली हैं। क्या तुम ठीक हो? उसमें सारी काम की चीजें थी। वैसे लैब में उन सारी चीजों का बैकअप है, बस कुछ फोटोज मेमोरीज। तुम पुलिस को कॉल करो, उन्हें ये सब पता चलना बहुत जरूरी है। कल मुझे कुछ मिला है, मैं वो तुम्हें भेजूंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, आई लव यू मेरी बच्ची। ये सब होता रहता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि तुम ठीक हो। पुलिस को जरूर फोन करना, तुम नहीं चाहोगी कि कोई बेकार इंसान तुम्हारे फोटोज को देखे। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं उन्हें कॉल करूंगी। आई लव यू टू। तो मैं अपने कार्ड के बारे में भी रिपोर्ट नहीं कर सकती? क्या बकवास है, मैं नहीं जानती वो, बस हाँ ओके। मेरा पासपोर्ट, क्या मैं नाम और रेफरेंस नंबर ले सकती हूँ? ओके जिम, मैं कल करूँगी कॉल आपको। हाँ नहीं, शुक्रिया। तुम इस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? किसी ने हमारे काम का डेटा चुरा लिया है। देखो इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, और तुम्हें वैसे नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, एक्सपेरिमेंट के बाद भी कुछ नहीं, कुछ भी याद नहीं मुझे। क्या मुझ पर मेरे घर जाते वक्त हमला हुआ था? क्योंकि मेरा रूम बिखरा हुआ है, मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, और मुझे कुछ समझ। फिक्र मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही, मुझे बस जानना है कि हुआ क्या था। नहीं, एक्सपेरिमेंट में कुछ तो गलत हुआ है। कुछ गलत नहीं हुआ,
तुम्हें बस कल के बारे में याद नहीं है। ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेट तुम खुद को देखो, कितना अजीब बर्ताव कर रहे हो। मेरा पासपोर्ट, मेरे बैंक कार्ड, मेरा सारा काम, कुछ तो गड़बड़ है। ओ, ये रहा वो, फाइनली मिल गया। आखिर हुआ क्या? अपना ईमेल चेक करो, हम सब करते हैं। हमारे से डिस्कस करने से पहले तुम्हारा मतलब? बिल्कुल, अपना मेल चेक करो। किसी ने मेरा कंप्यूटर चुरा लिया। ओ, वो भी? वाह। हाँ। इसे तो ट्रेस किया ही नहीं जा सकता है। इसे यूनिवर्सिटी से ट्रेस किया होगा, ये काफी बड़ी जगह है। लिव, हमें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये काफी बड़ी जगह है। देखो, शायद कोई आएगा और सवाल पूछेगा, उस वक्त तुम क्या करोगी ये बताओ। ओलिविया, वो मैं नहीं थी जिसने इसे बाहर छोड़ा। वैसे GCHQ है क्या? तुम्हें हो क्या गया है? गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस HQ, वो लोग साइबर टेररिज्म से डील करते हैं। मतलब हम मुश्किल में हैं। साइबर टेररिज्म? मुझे नहीं लगता कि वो हम तक इतनी आसानी से पहुंच सकते हैं। जाहिर है, जब तक हम कोई गलती ना करें। नेट, कितने दिन बीत गए हैं उस एक्सपेरिमेंट को हुए? बड़ा आसान सा सवाल है, मैं खुद भी जान सकती हूँ। क्या तुम जरा चुप रहोगी? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 हफ्ते शायद। 2 हफ्ते? ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया। वो क्या है? नोटबुक। मैंने तुम्हें बताया था मुझे कुछ याद नहीं रहता। तुम पर हमला भी हुआ था, समझी? शुक्रिया, मैं इसे भी लिख लेती हूँ। तुम दोनों को कितनी फिक्र है मैं देख रही हूँ। हमें फिक्र है। तुम्हें क्या लगता है हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? क्या करने में? मुझे क्यों नहीं हेल्प करने दे रहे? मदद? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टेस्ट कैसा था? कौन सा टेस्ट? मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है। जब तुम वर्म होल में थी, तुम्हें सैंपल्स लेने चाहिए थे। छोड़ो, क्या बकवास कर रहे हो, वो मैंने पहले नहीं किया। ये सब लॉक्ड क्यों है? ये पहले तो कभी लॉक नहीं रहा। तुम्हारे पास चाबी नहीं है? कैसी चाबी? मेरे सारे सेमेस्टर्स मैंने इसी रूम में कंप्लीट किए हैं। तो ठीक है, शांत हो जाओ, मैं काम करने वालों से मांग लूंगी। पता है, कल रात मैंने इस रूम के बारे में एक सपना देखा। किसी ने शायद लॉक कर दिया होगा, मैं देखती हूँ। यहाँ और कौन था? उसके पास मेरा लैपटॉप है, शायद वो मेरे प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर रहते हैं, प्रोजेक्ट के पीछे कोई नहीं पड़ा है, ऐसी बातें मत सोचो। मेरा प्रोजेक्ट? हाँ, है ना, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तुम ठीक हो ना? तुमने लंच नहीं किया? थोड़ा आराम कर लो, मैं टेस्ट को इनक्यूबेट के लिए रख देता हूँ। सुबह होते ही हम उस पर काम करेंगे, ठीक है? मुझसे बहस मत करना। वो मुझे गुस्सा दिलाती है। उसकी हालत नाजुक है, पर वो अब भी समझदार है। हम नहीं चाहते कि वो सब कुछ बिगाड़ दे।
तूने ये मास्क कहाँ से लिया? बता मुझे कहाँ से लिया ये मास्क? छोड़ो मुझे, खूनी कहेगी। हम जानते हैं तुम्हें मेरा नाम मुझे तो ये भी पता है कि तुम वहां अंदर क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम सही का साथ दो। वरना क्या? माफ करना, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? शौक से बुलाओ। जा रहे हैं तीन, उनका कुछ पता चला? नहीं, यहां सब खाली है, मैं जाकर देखता हूं। Thank you.
डायना हाय, कैसी हो तुम? तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या पता तुम कहाँ हो? तुम घर पे नहीं हो क्या? मैं बाहर हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम्हारे सिर में अब भी दर्द हो रहा है? मेरे सिर में ठीक है नेट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कॉल किया है। क्या? देखो मैं कल लंदन में रहूंगा टीम के साथ, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? लिव भी साथ होगी? नहीं, सिर्फ तुम और मैं, हमारी फेवरेट जगह पर, कल 9 बजे, है ना? तुम? हाँ, मैंने कहा ना। हाँ, इसे लिख लेना, ठीक है? पेन वहाँ माउस के पास रखा है। तुम्हें कुछ खाना चाहिए? तुम अच्छी नहीं लग रही। मेरा मतलब वैसे नहीं, पर मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम क्यों नहीं खा रही। आखिर चल क्या रहा है? क्या मतलब है? तुम जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ, बताओ क्या चल रहा है? तुम बताओ। ऐसा मत करो प्लीज, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। अजीब बातें मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मुश्किल बढ़ जाए। तो फिर आखिर चल क्या रहा है? देखो मैं भी तुमसे वही पूछ रहा हूँ, क्या तकलीफ है? तुम ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? ये अजीब बर्ताव नहीं है नेट, मेरी याददाश्त के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम्हें चोट लगी थी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, ये जरूर उस वर्म होल की वजह से हुआ है। तुम डॉक्टर के पास होके आ चुकी हो, 2 हफ्तों में तुम्हारा MRI स्कैन है। तो फिर अब देखो, वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता मैं क्या करूँ। पिछले कुछ दिनों से पर हमने टेस्ट किया था चूहे और बिल्ली के साथ। मैं नहीं जानती वो सब क्या था, और तुम दोनों भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। आना, क्या तुम ये सब पहले भी कह चुकी हो, ये सब कुछ इससे पहले। आना, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब छानबीन बंद कर दो। देखो ये सब करना खतरनाक हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी हमारे वर्म के पीछे पड़ी है और वो किसी को भेज रहे हैं इस पर जांच करने के लिए।
ना, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें याद है हम 2 साल पहले एक पहाड़ पर चढ़ाई करने गए थे रस्सियों के साथ? तुम्हें याद है हम वहां पर किस तरह फंस गए थे? मैं बहुत डर गया था, शायद उस वक्त मैं थोड़ा रोया भी था। तुम बहुत रोए थे नेट, मुझे नहीं पता था कि मर्द भी इस तरह से रोते हैं। मैं डर गया था, पर तुम मुझसे लगातार बातें किए जा रही थी, मुझे तुम पर भरोसा था, और इस बात पर भी कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैंने बताया भी नहीं, सिवाय मेरे मॉम के। तुमने अपनी मॉम को बताया? हाँ, मतलब वो मेरी मॉम है, उन्हें तुम पसंद हो। इस बार तुम मुझ पे भरोसा करो, ये जासूसी बंद करो। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं कि तुम ये लिख लो। अब ये लिखो, जासूसी नहीं करनी है, नेट पर भरोसा करना है, लिव पर भरोसा करना है। एना प्लीज। अगर मैं तुम्हें अभी किस करने के लिए कहूं तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? तुम्हें खाना चाहिए। तुम्हारा सिल्कवर्म अभी जिंदा है, लगता है घोंसला बना रहा है। इसे गोल्डन ककून कहते हैं नेथन। पूरी दुनिया में तुम्हारा इकलौता दोस्त। तुम ठीक हो? कुछ ढूंढ रही हो? तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? मैं नहीं जानती। बताओ इसका क्या मतलब है? ये तुमने लिखा है, ये एक प्राइमरी नंबर है, समझ में आया? मेरा कैमकॉर्डर कहाँ है? मेरे घर पर, मैं उससे कुछ एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करने ले गया। हाँ, तुमने ही तो इसे दिया था। मैंने? सच में? क्या वापस ला सकते हो? उससे मुझे पता चलेगा तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है। किस चीज पर काम कर रही हो? मैं कोड को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ ऐना। तो उससे हम जनरेटर को एक बार फिर से चला सकेंगे बिना किसी गैर कानूनी तरीके से। अब खुश? तुम अपनी मॉम को कॉल क्यों नहीं करती? अब वो कैसी हैं? उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया? मेरी मॉम? क्यों, क्या वो भी इसमें मिली हुई हैं? माय गॉड, तुम चाहती हो कि मैं यहां से चली जाऊं, है ना? इसमें मेरी मॉम का नाम लेने की क्या जरूरत थी? ये क्या चल रहा है? मुझे इस दरवाजे के सपने क्यों आते रहते हैं, कोई बताएगा? Hey guys, अच्छा होगा तुम लोग भी साथ चलो। वाइस चांसलर बुला रही है। तो मैं ये कह रही थी कि इसे लाखों कई लाखों कंप्यूटर्स पर असर पड़ा है जाहिर तौर पर, और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल है। इस डिपार्टमेंट का, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिल्डिंग के आईपी एड्रेस से पता चला है। शाबाश, बड़ा ही अच्छा काम किया है आप सबने। ये है मिस्टर स्टोविंगटन GCHQ से। ये डिपार्टमेंट के सभी लोगों से कुछ सवाल जवाब करेंगे।
पूरा सहयोग कीजिएगा और फैकल्टी के सभी मेंबर्स का स्वागत है। उम्मीद है यहां सब ठीक होगा। एना, एना कौन सी दुनिया में हो? ओके, तो वो डिटेक्टिव है। हाँ, मुझे फिर से बताओ ताकि हमें जेल ना जाना पड़े। ये उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। कुछ नहीं होगा, सही कहा है ना? पेटेंट्स कहाँ हैं? क्या पेटेंट्स? तुम लोगों ने मेरा प्रोजेक्ट चुराया है। क्या कहा? फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? और वो किसके नाम वो पर? सब है? तुम्हारे नाम तो फिर कहाँ है वो? मेरे डैड के वकील के पास। तुमने मेरे साथ क्या किया बताओ? मैंने तुम्हें मना किया था ना? एना, लिव और मैं तुम्हारी मदद नहीं। तुम ठीक हो? मैटर के बारे में कुछ कहा था ना, वर्म होल मूविंग मैटर के बारे में, वो सब क्या था बताओगे? मुझे याद, तुम्हें याद है तुमने कहा था वर्म होल चीजों को कहीं और भेज देता है। हाँ, लेकिन तुम घर जाओ और जरा शांत हो जाओ। लेकिन कुछ और भी हुआ हो तो? ये मैटर से कुछ ज्यादा है। क्या होगा अगर मेरे एक हिस्से में मास ही ना हो, कि मैं वर्म होल से बाहर आ गई और मेरी आत्मा पीछे ही रह गई हो? मैं अब और ज्यादा नहीं सुन सकती। ओके, तुम बहुत अजीब बातें कर रही हो। तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो कि हम प्रोजेक्ट चुरा रहे हैं और अब तुम अपनी आत्मा की बात कर रही हो। तुम सठिया गई हो। लिव, चुप रहो। ओके, एना, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एना, एना, एक दिन में दो बार कॉल किया, मेरा तो नसीब ही खुल गया। सब ठीक है? मॉम, क्या मैं अजीब सा बर्ताव कर रही हूँ? हाँ, कर रही हो। क्या तुम ठीक हो? उस पासवर्ड के बारे में सुबह क्या कह रही थी तुम? फिर से कहिए। मुझे नहीं पता, शायद मैं तुम्हारे डैड की तरह नहीं। आज सुबह, क्या आज सुबह हमने बात की थी? एना, पक्का तुम? कौन सा पासवर्ड? मुझे नहीं पता, पर तुमने कहा था जब तक मैं वो पासवर्ड न बोलूं तुम मुझसे बात मत करना। तो वो पासवर्ड क्या था? वो तो एना। मॉम, क्या फोन पर सच में तुम हो? ऑफ कोर्स। मॉम, तुमने तुमने कहा था तुम एक शब्द कहोगी, उस शब्द को सुनने के बाद ही मैं तुमसे बात करूं। आप मेरी मॉम हैं, मुझे आपको कोई पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को बिल्कुल भी मत सुनना। अगर मैं आपसे कुछ मुझे जाना होगा, दरवाजे पर कोई आया है। मुझसे तभी बात करना जब तुम बेहतर महसूस करो।
नेट, सच में मुझे ओह सॉरी, मुझे लगा नहीं, नेट कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सॉरी, ये तुम न्यूरोलॉजिकल डैमेज रिसर्च के लिए पढ़ रही हूँ। हाँ अच्छा, गुड लक। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहती, मैं बस कुछ और पूछना चाह रही हूँ। क्या ह्यूमन मेमोरी में मास होता है? मतलब अगर किसी की याददाश्त खत्म हो जाए तो क्या दिमाग का वजन कम हो जाएगा? अजीब सवाल है, मैं जानती हूँ, लेकिन नहीं, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। पता है, शायद मैं नहीं जानती। तुमने गूगल में ढूंढ कर देखा? वो मुझे बस यूएसबी स्टिक्स बेच रहे हैं। तो क्या वो भी भरे होने पर भारी हो जाते हैं? नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहती, वो तो बस बाइनरी नंबर्स। मुझे लगता है इंसान का दिमाग भी वैसे ही काम करता है, बिजली की तरह, बंद और चालू होकर, खाली बैटरी की तरह। उतना मास है जितना कि भरे वाले में। बैटरीज के बारे में मैं जानती हूँ। तो यादें बिजली की तरह होती हैं, पर बिजली तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में मास होता है। थैंक्स। वैसे एक आखिरी बात, क्या हम याददाश्त से कहीं ऊपर हैं? हम आते तो बिना किसी याद के हैं और जाते हैं कई यादें लेकर। तो अगर हम बात करें सिर्फ सोल्स की, तो शायद वो सिर्फ यादें हैं। सॉरी, तुम शायद बिजी हो। खैर, शुक्रिया, गुड लक तुम्हारे काम के लिए। थैंक यू। कोई चाबी के साथ? हाँ ठीक है, मैं रुकती हूँ। ओ हाँ, वो लोग सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं, शायद कोई पकड़ा भी गया खिड़की से केमिस्ट्री लैब में घुसने के लिए। ऊपर से प्रोटेस्टर्स, इन्होंने नाक में दम कर दिया है, ये इस तरह किसी को परेशान हाँ, नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, ये ऑक्सफोर्ड है। ट्रेसी ने कहा कि उसे बताया है कि वो लोग आज किसी को अरेस्ट करने वाले हैं इंटरनेट वाले मामले में। ना, हाय। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, बिल्कुल भी यकीन नहीं, तो अब सोचना बंद करो। केमिस्ट्री लैब वाली बात पता चली? वो मैं ही थी। प्रोटेस्टर्स को ये बात पता चली एक हफ्ते पहले, उन्होंने जब सीसीटीवी में देखा, लेकिन उन्हें चेहरा दिखाई नहीं दिया। क्या सच में? बेवकूफ कहीं की, तुम्हें क्या जरूरत थी खिड़की से अंदर घुसने की? मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है और तुम लोग ये बात जानते हो। हाँ कुछ तो है, उसी की वजह से। मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ। जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं। तो फिर कैसा है नेट, बताओ मुझे। देखो, मैं पागलों जैसा बर्ताव कर रही हूँ, तो तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, तुम लोग उसमें कामयाब हो गए हो। हाँ, ऐना, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर हम नहीं जानते कि वो क्या है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा प्रोजेक्ट चाहते हो, पर वो मेरा प्रोजेक्ट है, सिर्फ मेरा, और मैं उसे बंद कर रही हूँ। ऐना, तुमने क्या किया? हेलो, किसी ने मेंटेनेंस को बुलाया? हमारे पास इस दरवाजे की चाबियां नहीं है, क्या आप इसे खोल सकते हैं? नेथन, मैं इसकी चाबी आपको पहले ही दे चुका हूं,
आपने कहा था आप वापस ला कर देंगी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ। ये सच है मैडम, आप यहीं खड़ी थी। देखो, क्या तुम ये दरवाजा बिना चाबी के? बिल्कुल नहीं। और अगर आपने चाबी घुमा दी तो मुझे फैकल्टी के किसी मेंबर को बुलाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम ढूंढ लेंगे। ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम आखिर कर क्या रही हो? हमने कानून तोड़ा है, हर जगह पुलिस घूम रही है, और तुम किसी बंदे को उठाकर ले आई सीधे यहाँ पर। और अगर वो वीसी के पास चला गया तो? और आगे वो क्या करेगी तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पहले से ही यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं उस वॉर्म वायरस के बारे में। और ऊपर से तुम हॉर्न में जाओ। तुम जानती हो मेरा ब्रेन डैमेज हो चुका है और तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है, मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। फाड़ में जाओ तुम दोनों। स्टेशन 2। मैं भी आया। मेरे पास लॉयर होना चाहिए ना, मुझे अरेस्ट किया गया है ना। अरे नहीं नहीं, हमें बस आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, और अगर आप चाहें तो कानूनी तौर पर आप एक वकील रख सकती हैं, लेकिन अगर ये बात है तो फिर हमें काफी लंबा सफर तय करके, काफी सारे पेपर वर्क करके, फिर ये फिर वो, ये सब झमेले में पड़ना पड़ेगा। आइए ना प्लीज। मूंगफली खाना चाहेंगे? मेरे पास एक थियरी है, आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक आदमी या आपके केस में एक औरत गुनेगार है या नहीं, और ये तब पता चलता है जब एक इंटरोगेटिंग ऑफिसर उन्हें मूंगफली ऑफर करता है। नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं? पक्का? मैं खा लेता हूं। तो आपको क्या लगता है? किस बारे में? कि आपने मेरा मूंगफली वाला टेस्ट पास किया या नहीं। मैं मजाक कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिए। वैसे आप सुनकर चौंक जाएंगी कि मैंने कितने खूनियों से उनका जुर्म कबूल करवाया है, इसी तरह मूंगफली खिला के। मूंगफली खाओगे? ओह, मैंने अपनी माँ का खून किया। मतलब ये कमाल की बात है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। देखिए मिस्टर, मुझे माफ कीजिए, मैं वाकई बहुत बिजी हूँ। मैं जानता हूँ आप काफी मशहूर हैं, देर रात तक जागकर काम करना, मेरा मतलब काफी स्टूडेंट्स करते क्या हैं। क्या हम ये सब फिर कभी कर सकते हैं? मेरे पास इस वक्त सच में टाइम नहीं है। क्या आप इसे पहचानती हैं? ये क्या है? देखिए मैं सच कहूं तो हम यहाँ किसी वर्म के ऑथर को ढूंढने नहीं आए, हम जानते हैं ये आपने लिखा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये करता क्या है। चलो भी, आपको क्या लगा क्या होगा? वहां 80 करोड़ लोगों से आप अपना होमवर्क कराओगी और किसी को ये राज पता नहीं चलेगा? देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
पर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जानते हैं मैं एक केमिस्ट हूँ, मैं कोई प्रोग्रामर नहीं। हमें बस इतना जानना है कि ये क्या है मिस कार्टर। सारी गड़बड़ सिस्टम्स को जैम कर देना, क्या आप भी इनका हिस्सा हो? मैं कुछ नहीं जानती, कौन सी गड़बड़। लेकिन आपके दोस्त जानते हैं। वो मेरे दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? हमारे यहाँ जमा होने की सिर्फ एक ही वजह है, एक ही वजह। 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने अपने हाथों से खून करते देखा है, कई मासूम जानवरों को हमने मारा है साइंस के नाम पे। ऐना, ये वही ऐना है दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे। ये अमेरिकन है क्या? सच में? हाँ बिल्कुल। फिर तो बात में दम है। तो फिर आखिर ये हमारा साथ देगी या नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो तुम्हें कई सारे मौके दिए। हाँ हमने बहुत कोशिश की। ये सब क्या है? तुम्हारी लैब की लिस्ट यहाँ है, आधा दर्जन चूहे, बेचारे चूहे। फिर है कुछ खरगोश, लेकिन तुमने ये वाली जगह खाली रखी है ना? तुम क्या कर रही थी उनके साथ? बताओ तुम क्या कर रही थी उनके साथ वहाँ अंदर? कुछ लोगों ने तुम्हें अंदर एक बिल्ली को ले जाते भी देखा है। उसके कागजात कहाँ है ना? बताओ ना कहाँ है। एक बिल्ली, ये तो गैर कानूनी है ना? ये बिल्कुल गैर कानूनी है, हमें अंदर चलकर इसकी लैब देखनी चाहिए। मेरी बात सुनिए। तो दोस्तों क्यों ना इनका लैब बंद कर दिया जाए? नहीं, हमारे पास सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। लैब बंद कर दिया जाए, 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 लैब बंद कर दिया जाए। वाह वाह। मुझे लगता है मैं कल रात यहाँ कुछ भूल गई थी। ओ, आओ आओ अंदर आओ। तुम चाय पीना चाहोगी? हाँ जरूर। ऐना, क्या तुम ठीक हो? तुमसे मतलब? तुम अभी कहाँ पर हो? तुम लैब वापस आ सकती हो? पहले मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। ऐना, हम तुम्हें कई बार समझा चुके हैं लेकिन तुम हर बार भूल जाती हो। देखो मुझे माफ कर दो, क्या तुम वापस आ सकती हो? Anna. Goodbye, Nathan. Anna.
हम मैटर को फेस करते हैं बिना कुछ बदले, वर्म होल के जरिए। बिना कुछ बदले, ये बात याद रखना। नंबर्स कम हो रहे हैं, जल्दी करो। बिना कुछ बदले, लेकिन अगर हम क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेट, तुम्हारी मूवी उधार रही, कूल गाय। ओके, 3, 2, 1। जाहिर तौर पर कामयाब रहा, रीडिंग्स अधूरी हैं। हम सस्पेक्ट्स का मैप नहीं बना पाए। वॉर्म होल काफी देर तक खुला रहा, गुरुत्वाकर्षण बिगड़ा हुआ था, जबकि उसे उसी वक्त बंद हो जाना चाहिए था ताकि वो काम करने लायक बन सके। गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या कर रहे हो? मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा रूम है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? ये मेरा रूम है, मैं अपने घर आया हूँ। तुम तो लैब में थे ना? जब तुम लैब में थे तो तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? एना सुनो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तो हद हो गई। देखो, तुमने मुझे बताया, तुमने बताया कि तुम यहाँ पर। तुम लिफ्ट के साथ सो रहे थे? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नेट, पर तुम कोई बेवकूफ नहीं हो। तुम जानते हो कि मुझे इससे कितनी तकलीफ हुई है। तुम जानते हो कि तुम और मैं भूल जाओ। प्लीज, देखो किसके साथ सोता हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है? देखो, बहुत हुआ, हमने सोचा नहीं था कि इसका इतना बुरा असर होगा। असर पड़ा है नेट, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैं कुछ खाती नहीं, मैं पीती नहीं, मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे हर वक्त नोट्स बनाने पड़ते हैं। वापस ले लो। मुझे ये वापस नहीं चाहिए। मैं पागल हो चुकी हूँ क्या? मैं खुद भी कुछ करके भूल जाती हूँ और फिर। प्लीज, गन को नीचे रखो और लैब वापस आओ, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अभी समझाओ मुझे। नहीं, तुम सब भूल जाओगी। तुम लैब में चलो, लिव तुम्हें सब समझा देगी। मुझे क्या हो रहा है नेट? ये क्या है, ये क्या है? मैं कुछ खाती क्यों नहीं? क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता? फोन उठाओ। मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। चुपचाप फोन उठाओ। तुम चाहते हो मैं तुम पर भरोसा करूं? ठीक है, ठीक है। हेलो, नहीं, मैं अभी उसके साथ हूँ। कौन है, कौन है? मुझे फोन रखना होगा। कौन है बताओ मुझे। मैं हूँ एना कार्टर, मैं हूँ एना कार्टर। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या चल रहा है? ये सब कुछ बदल देंगे, हम भगवान बनने वाले हैं। क्या ये वाकई में सच है? एक मैजिक ट्रिक देखोगे? मैं हूँ एना कार्टर, मैं हूँ एना कार्टर। क्या फोन पर सच में तुम हो? तुम अपनी मॉम को कॉल करो, वैसे वो कैसी हैं? उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया। एक मैजिक ट्रिक देखना चाहोगे? मैजिक ट्रिक? एक मैजिक ट्रिक देखना चाहोगे? 80 करोड़ लोगों से आप अपना होमवर्क करवाएंगी और किसी को ये राज पता नहीं चलेगा? मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। क्या ये तुम हो? तुम आज शाम मूवी देखने चलोगी? सिर्फ तुम और मैं साथ में। तुम एक केमिस्ट हो, क्या तुमने सैंपल्स टेस्ट के लिए? कल रात मुझे कुछ मिला, मैं वो तुम्हें भेजूंगी, जिसे तुम्हें अच्छा लगेगा।
बाहर कोई नहीं है। चांद को भी और किसी पैन को भी। चांद को भी और किसी बैंक को भी कहीं भी। एना क्या कर रही हो? नेटा ने मैंने उसे गोली मार दी, मुझे मदद चाहिए। तुम आखिर कर क्या रही हो? तुमने किसी को गोली नहीं मारी। आपको मेरी मदद करनी होगी, मैंने अपनी सोल कहीं खो दी है। मैं आपको, ओ हाँ, मैंने तो आपके साथ मूंगफली वाला टेस्ट किया था, मुझे माफ करना। आपका नाम कार्टर है ना, मिस कार्टर? हाँ। पता नहीं मैं ऐसी हरकतें क्यों करता हूँ, लेकिन चलिए आपका इलाज करते हैं। ऑफिसर मेडिक्स? नहीं, ये वर्म होल से हुआ है और ये एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। आपको कोई तकलीफ है मैम? नहीं कोई तकलीफ नहीं है ऑफिसर, ये ठीक है। देखिए मैंने अपनी सोल खो दी है, मैंने खुद देखा है उस वीडियो में। हाँ बिल्कुल सही, चलो अंदर चलते हैं। नहीं, तो वो तुम थी, तुमने मुझे ऐसा बनाया। चुप रहो पागल औरत, उठो। नहीं एना, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ठीक है? शिट, अब तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगी, बड़ी मेहरबानी होगी। नेट, ये मुझे क्राउड में खड़ी मिली। वो नहीं, इसने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरा दिमाग मेरे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, नेट, बिल्कुल ऐसा ही है और ये सच है। मैं उन चीजों को देख रही हूँ जो है ही नहीं। ये देखो, मैंने खुद को चोट पहुंचाई और तुम्हें गोली मारी। हम समझते हैं ये सब क्यों हो रहा है। तुमने वो वीडियो देखा? वो क्या था? क्या वो मेरी सोल? नहीं समझे, ये साइंस नहीं और इसे मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें एक्सपेरिमेंट याद है? हाँ मुझे एक्सपेरिमेंट याद है। हमें रीडिंग्स चाहिए थी ताकि हम उसे मॉडल की तरह चला सकें, लेकिन वर्म होल काफी देर तक खुला रहा जिससे वैक्यूम बन गया था। तुम्हारा जनरेटर वर्म होल को बनाता है। वर्म होल थ्योरी स्पेस की फैब्रिक और वक्त को इस्तेमाल करता है और मोड़ कर उसके आर पार हो जाता है। हम, तुम्हारी मशीन, एल्गोरिथम, इन सब की वजह से नोड के बाहर एक होराइजन बन गया। एक मैथमेटिकल ब्लैक होल जो चीजों को खींचता है। तो वो काफी देर तक खुला रहा और ग्रेविटी फील्ड ने रीडिंग्स को बिगाड़ दिया। हमारे नंबर्स हर तरफ थे। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार गायब हुई थी? उसके बाद हमने तय किया, हम सब ने तय किया कि हमें वो नंबर्स वापस लाने होंगे। पहली बार ना, हमें कोई रास्ता निकालना होगा जिससे हम उसे नैनो सेकंड में बंद कर सकें। तो शायद हमें उस बात का, हाँ, वर्म नंबर्स ड्रॉप हो रहे थे तो हमें इस बात का ध्यान रखना था कि वो बंद ना हो उस वक्त जब वो मेरे मास में घुस रहा हो मुझे गायब करने के लिए। हमने स्केल सेंसर का इस्तेमाल किया ताकि जनरेटर ऑटोमेटिकली कट हो जाए जब भी उस पर दबाव पड़े। ये तुम्हारा आइडिया था? तो हमने उसे फिर से चलाया और मैं दूसरी बार गई, लेकिन तब उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्या हुआ था? थ्री टू वन। जाहिर तौर पर कामयाब रहा, रीडिंग अधूरी है। हम सबसेट्स का मैप नहीं बना पाए, वर्म होल काफी देर तक खुला रहा, गुरुत्वाकर्षण बिगड़ा हुआ था। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है। ओके, तो यहाँ पर स्केल सेंसर से कटा हुआ आउट नोड है, हम तैयार हैं। कहीं हम इसमें जल्दबाजी तो नहीं कोई कर रहे? बात नहीं, मैं तैयार हूँ, हम ये एक बार कर चुके हैं। और साइकिल्स भी ड्रॉप हो रहे हैं, हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट या फिर सेकंड्स हैं। सच में अभी नहीं तो कभी नहीं। कम ऑन, हमें ये करना है। सब ठीक है, ओके शुरू करते हैं। थ्री टू वन। लिव, शिट, क्या ये क्या है? नहीं 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 नहीं,
तो मैं क्या हूँ? एना, क्या मैं एक क्लोन हूँ? ओके, बताओ मुझे वो क्या चीज़ है? तुम्हें बताया क्या चीज़ है? बताओ क्या हुआ है? क्या मैं क्लोन नहीं हूँ? शांत हो जाओ। हर एक बार तुम यही करती हो। तुम कोई क्लोन नहीं हो। मैं हूँ। मैंने वहाँ, मैंने अपने आप में, तुम एक केमिस्ट हो, समझो बात को। जितने भी सैंपल्स तुमने लिए, लिविस से कुछ याद नहीं है। नहीं है तो वहाँ माइक्रोस्कोप है, दिखाओ इसे। अपनी गर्लफ्रेंड से बोलो इस बार लिख कर रखे। बेवकूफ ने मुझ पर सीधे गोली चला दी। देखो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो रेजोल्यूशन बढ़ाओ। ये ठीक से काम नहीं कर रहा। ओह, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई। ये बहुत मुश्किल है। वुप्स, तुम्हारा जवाब नहीं। तुम तो खुद एक मुसीबत हो। देखो इसकी मुश्किल मत पढ़ो। नहीं, मैं थक चुकी हूँ इसकी ये सोच से कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। पिछले महीने से मैं मुश्किल से सो पाई हूँ इसका रास्ता निकालने के चक्कर में, और हर बार, हर रोज, और फिर ये घनचक्कर औरत आकर सीधे मुझे शूट कर रही है। ये बताओ इसके पास गन आखिर आई कहाँ से? लाइट हो एना, जब हम स्पेस को फोल्ड करते हैं तो लाइट की स्पीड से भी तेज तुम्हें होराइजन से बाहर निकालना होता है। इस तरह बम होल काम करता है। तुम एक लाइट हो जो पीछे छूट गई। अरे नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ एक कॉपी से कहीं ज्यादा हूँ। मैं सोच सकती हूँ, मतलब मैं इस वक्त सोच रही हूँ। मुझ में जज्बात है, मेरी एग्जिस्टेंस है। हम ये खुद भी नहीं समझ पा रहे। तुम एक लाइट हो, तुम्हारा फोटोनिक वेट, तुम्हारे पास रेडिएशन सिग्नेचर है। तुम यहाँ मौजूद हो। मैं सिर्फ असली नहीं हूँ, नॉर्मल तरीके से नहीं, इसलिए तुम यादें नहीं बना पा रही हो। तुम ना खा सकती हो, ना पी सकती हो, और इसलिए तुम्हारे सपने। मेरे सपने बहुत क्लियर होते हैं। मैं जैसे मैं किसी और के जरिए देख रही हूँ, और मुझे बताओ ना, मैं जानती हूँ आगे क्या होगा। हे, माफ करना, मैंने तुम्हें गली में धक्का मारा। वो पूरा का पूरा दिन ऐसा ही था। मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें कुछ याद है या नहीं? ये कौन है? इसके पास मांस है, और ये असल दुनिया में मौजूद है। ये असली एना है। नहीं, बकवास मत करो। मुझे बताओ, मैं कैसे नहीं हो सकती? ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मुझे खोखलापन महसूस होता है, जैसे कि मुझ में कुछ अधूरा है। हाँ, जैसे कि एक सोल है। देखो, मैं रोज खाती हूँ, हर रोज घूमती हूँ। मैं जो करती हूँ मुझे याद रहता है, तुम जो करती हो वो याद रहता है। मैं वापस आ गई थी। मैं असली हूं। सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा करो। बस उदास मत हो, ठीक है? ये काम करेगा। हमने एल्गोरिथम को फिर से लिख दिया है, हम उससे बात करेंगे। मतलब कि मुझसे? अभी के लिए उसे भूल जाऊं। तो क्या हुआ? तुम दोनों क्या बस ऐसे ही? ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर यही क्यों? मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम सच नहीं हो। हम ठीक कर सकते हैं। हम वर्म होल को फिर से एक बार फिर से कोड्स लिखे हैं, तो अब ये वॉल्यूम पर काम नहीं करेंगे, बल्कि मास पर काम करेंगे। तुम्हारे पास मास नहीं है, तो हम तुम्हें भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं? देखो, तुम कहीं नहीं जाओगे, और ना ही तुम्हें कहीं देखा जाएगा। ये कांच को तोड़ने जैसा है।
तुम्हारी परछाई कहीं नहीं जाती, बस चली जाती है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना? तुम जिंदा नहीं हो मरने के लिए, तुम सिर्फ मेरी परछाई हो। तुम जब आंख खोलोगी तो मेरे अंदर होगी। मैं असली में हूँ, मेरा वजूद है। ओह माय गॉड, मेरा वजूद है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मॉम, मैं हूँ। मुझे अभी तुम्हारा मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस आपको ये बताती नहीं। ओ मेरी बच्ची, पागल मत बनो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ठीक हो? मॉम, मुझे कितनी सारी बातें याद हैं। मुझे वो घर भी याद है, और वो भी याद है जब डैड घर में हुआ करते थे। मुझे वो मिट्टी के तेल की खुशबू भी याद है जो उनके ऑफिस के फर्नीचर से आती थी। बिल्कुल, मुझे सब याद है। खूबसूरत यादें जीने का सहारा होती हैं। तुम्हें मेरा पैकेज मिला? तुम्हें याद है तुम मेरे साथ पियानो बजाया करती थी? हाँ, हाँ। मैं असली कैसे नहीं हो सकती अगर मुझे सब कुछ याद है? ताकि हम इसका रिकॉर्ड रख सकें, ताकि हम डैड को दिखा सकें। इससे उसे याद रखने में आसानी होगी। तो फिर तैयार हो, प्रैक्टिस शुरू करें। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब रुकना मत, ओके? हनी जारी रखो। जी कैप्टन। सुन रही हूं अभी, मैं आपको कल कॉल करूंगी, ठीक है? लव यू मॉम। मॉम, मॉम, उन सब का क्या जो मैंने आज तक किया? मेरी यादों का क्या जो मुझे मेरी पहचान याद दिलाती है कि मैं क्या हूँ? वो मेरी है, तुम्हारी यादें नहीं। जो कुछ भी तुमने किया है वो सब यहाँ है। क्या मैं यहाँ रुक नहीं सकती? प्लीज, मैं वहां पर कहीं सो जाया करूंगी। प्लीज, बस एक आखिरी बार। तुम्हें ये याद नहीं रहेगा। हमने पहले भी ये कोशिश की है। हमने तुम्हें यहीं रखा था। यही ठीक लगा। लेकिन तुम कुछ भूल जाती हो। सब कुछ। वो बहुत ही खतरनाक था। तुमने खुद को जख्मी कर लिया था। तुमने हमें भी चोट पहुंचाई। हम और कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बाहर रखना ज्यादा आसान हो गया। तुम्हारे लिए भयानक था, जानती हूँ। मैंने तो इसे हर वक्त महसूस किया। तुम ठीक हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जानती हूँ। हाँ, शायद तुम जानती होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है।
क्या तो हाँ हमें देखो जहां बिल्कुल दो आम इंसान की तरह बैठे हैं पर मुझे कुछ गहरी बातें करने का मन कर रहा है जानती हो अगर मैं तुम्हारी जगह होती अगर मैं तुम होती मैं नहीं जानती कि मैं ये कर पाती कि नहीं मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ हाँ तुम कर सकती हो थैंक यू तुम बहुत कमीनी हो और अगर मैं ये सोचती हूँ तो वो भी यही सोचती होगी प्रोजेक्ट हम उसे बंद कर देंगे नहीं क्यों नहीं मैं ऐना के साथ हम इस प्रोजेक्ट को क्यों रोके अब सब कुछ तैयार है हम जानते हैं ये मुमकिन है कोई और उसे बना तुम्हें लगता है वो हम करेंगे इतना कुछ होने के बाद जो हुआ उसी की वजह से हाँ क्या हम गाड़ी चलाना बंद करते क्योंकि लोग ठीक से नहीं चलाते या बिजली इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि करंट लगता है मेरा थर्सडे को MRI स्कैन है जिसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही तभी हम आगे बढ़ेंगे इसी को तो प्रोग्रेस कहते हैं क्या लगता है आगे किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी और वर्म का क्या वो इन्वेस्टिगेशन मैं हैक करके उसका इल्जाम किसी और पर डाल दूंगी मुझे बस एक जरिया चाहिए हमें अभी भी लाखों टेस्ट करने बाकी हैं सच में लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए हमें पैसे चाहिए तो फंडिंग चाहिए तुमने कहा था कि मीटिंग्स होने वाली हैं हाँ गुड गुड तो अब तुम लोगों को याद है जो हमने कूल बातें कही थी देखते रहो सब कुछ बदल जाएगा गाइस ध्यान दो ना क्या हम कुछ खा सकते हैं मुझे बहुत भूख लगी है हाँ चलो वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया था क्यों है ना तुमने कितना अच्छा बजाया क्या मैंने अच्छा तुमने किया बहुत अच्छा किया अब ये सबसे खूबसूरत बात है कि हम पीछे जाकर इसे जब चाहे बार बार सुन सकते हैं क्या मैं ये डैडी को दे सकती हूँ हाँ बिल्कुल दे सकती हो जब वो वापस आएंगे तुम कुछ भी कर सकती हो अब इसे ऑफ कर दो